Find the angle of intersection of the curve y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by. तो अब हमारे पास में जो दो कर्व्स हैं, उनकी इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है y square is equal to 4ax, फर्स्ट पैराबोला ये, और सेकंड पैराबोला है x square is equal to 4by. तो सबसे पहले हम इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे. तो मैं यहाँ से y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. जैसे मैं पुट करूंगा y की वैल्यू कर जाएगी x square upon 4by. तो जगह x square upon 4b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो इक्वेशन का जगह यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर जाएगी x रेस्ट पावर 4 अपॉन 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके x कॉमन ले लूंगा तो इक्वेशन आएगी x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 16 बी स्क्वायर माइनस 4a, है ना. और ये वैल्यू होगी इक्वल टू 0. या तो फिर यहाँ से दो हमें टर्म मिलेगी, या तो एक्स क्यूब एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0, और या फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 बी स्क्वायर ए. तो एक्स क्यूब अगर 64 बी स्क्वायर ए है तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर ए रेज टू पावर 1/3. अगर एक्स की वैल्यू क्या है, सी अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है तब तो वाई की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0. बट अगर x की वैल्यू है 4b स्क्वायर a रेज टू पावर 1/3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू आएगी उस केस में 4 इंटू बी ए स्क्वायर की पावर 1/3. तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए. तो सी, अब किसी भी कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, उन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट का जो एंगल होता है वही उन कर्व्स के बीच में एंगल होता है. जैसे अगर दो पॉइंट कर्व्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो दोनों पॉइंट कर्व पे टेंजेंट होगी तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही कर्व्स के बीच में भी एंगल होगा. ठीक है, तो ये वाला हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले. तो सबसे पहला हम कर्व लेने वाले हैं, क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एक पैराबोला है, और दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना. तो डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ से स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 4b y डैश. तो y डैश की वैल्यू क्या जाएगी, y डैश इज इक्वल टू x अपॉन 2b, x अपॉन 2b. सिमिलरली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू, इट इज इक्वल टू 2y y डैश इज इक्वल टू 4a. तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या जाएगी, y डैश इज इक्वल टू 2a अपॉन y. ठीक है, तो ये आ गई हमारी दो वैल्यूज, x अपॉन 2b और 2a अपॉन y. तो ये तो वी नो कि जो दो पॉइंट है 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स है हमारे, जो ये कर्व दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक 0,0 और एक है 4b² a, 4b² √1/3, 4ba² √1/3. तो 0,0 पे तो एंगल पाई बाय 2 है, ये वी क्लियरली नो. तो दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं, तो इस पॉइंट पे y डैश की वैल्यू क्या जाएगी, y डैश क्या है, x बाय 2b, और x क्या है हमारा b² a √1/3. तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, इट इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर ए. तो ये हो जाएगा क्या, b की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 1/3, तो b की पावर 2/3 और नीचे गए अपॉन में b, तो हो जाएगा ये 4 इंटू ए बाई बी की पावर 1/3, और अपॉन में क्या है 2b है, तो अपॉन में 2b आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या होगी, y डैश इज इक्वल टू 2a/y है, तो 2/4 तो कितना हो जाएगा, 1/2, सिंपली 1/2. और बी स्क्वायर ए की पावर 1/3 अपॉन क्या करना है हमें, सॉरी ए अपॉन बी स्क्वायर ए की पावर 1/3 करेंगे तो क्या जाएगा सॉल्व करके, इट इज इक्वल टू ए बाय बी की पावर 1/3. ओके, नाउ अब हमें बताना है इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल कितना होगा. तो सी, हम दोनों के क्या है, दोनों कर्व्स की क्या है, जो टेंजेंट्स है उनका स्लोप हमें पता चल गया, एक का स्लोप क्या है दिस और एक का स्लोप है दिस. तो tan थीटा के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या लेट से एंगल क्या है, थीटा है दोनों कर्व्स के बीच में. तो tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/2, ये क्या होगा, 1/2 इंटू ए बाय बी रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 इंटू ए बाय बी, यहां भी आ जाएगी पावर 1/3, और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है 1 प्लस m1 m2, और m1 m2 क्या होगा, 2 इंटू 1/2 तो 1 हो जाएगा, और बचा गया ओनली a बाय बी की पावर 2/3. तो ये क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा किसमें, tan थीटा की वैल्यू. तो अगर ये tan थीटा की वैल्यू है तो यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इसे
यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैं थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंगल थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ मोड ऑफ 1/2 ए बाय बी रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बाय बी रेज टू पावर 1/3 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ए बाय बी रेज टू पावर 2/3। और ये वैल्यू क्या जाएगी, ये आ गई एंगल की। और दूसरा एंगल क्या होगा जो 0,0 पे होगा, तो एट 0,0 एंगल इज π/2। तो एट 0,0 एंगल इज π/2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।